नहीं कि मैं भी चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, मैं भी दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन में चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि एक जगह अगर एक विधायक की जगह अगर दो बनता है तो पार्टी का ही फायदा होता है। तो इसी कारण से मैं याचुली कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं त्याग देके तक प्रकाश जी के लिए, तातुम जी के लिए त्याग देके मैं दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। मेरा नाम पहले अनाउंस हो चुका था, लेकिन मैं कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम आपको नहीं बताया था। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं 10 साल विधायक रहा और मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का सोच को मेरा मुझे मालूम है। और मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी इस बार चाहते हैं कि एक नया पेश हो, युवा नेता हो जो ग्रासरूट का दुख तकलीफ समझ सके, जो यंग जनरेशन को आगे ले जा सके, महिला को आगे ले जा सके। तो इसी कारण एनसीपी पार्टी ने एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक युवा नेता यानी तत्तम प्रकाश को चुना है और मैंने उसका नाम को एनसीपी पार्टी टिकट का उसका नाम को अनाउंस कर चुका है, आज अभी किया है, ऑफिशियली बहुत जल्दी हैंड ओवर करने जा रहे हैं। और मेरा बारे में आपको बताना चाहूँगा कि आप सब ने इमेजिन भी नहीं किया कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, लेकिन कहाँ लड़ेंगे। मेरा ओर से भी मैं ऐलान करना चाहूँगा कि इस बार जो है मैं ईस्टर्न पार्लियामेंट यानी 47 नामसाई में मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, जो कि प्रदेश हमारा है, देश हमारा है। मैं नेता ये नहीं कि अपने घर पर सिर्फ चुनाव लड़ना है, सारा देश हमारा अपना घर है, सारा प्रदेश अपना घर है। तो मैं इस बार ईस्टर्न पार्लियामेंट से N47 से मैं लड़ने जा रहा हूँ।